नमस्कार, मैं अनु छाबड़ा। मैंने पहले ही कॉम्पोस्टिंग पे एक वीडियो बनाई है जो कि इंग्लिश में है, पर काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हिंदी में भी कॉम्पोस्टिंग की वीडियो उन्हें चाहिए, तो मैं दोबारा इसे हिंदी में बना रही हूँ। तो देखिए, आपको सब कुछ अगर समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अगर और डिटेल उसके बारे में अगर आपको जाननी हो। तो अगर हम कोई भी फल सब्जी जो भी हम खाते हैं तो उनके छिलकों को जनरली हम क्या करते हैं, कहीं तो फेंक देते हैं। धीरे धीरे वहाँ कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं मच्छर, मक्खी या कई तरह की बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है किसी हद तक अगर हम सब्जी या फल खाने की जिम्मेदारी लेते हैं तो उनके छिलकों को किस तरह से आप कह सकते हैं यूज़ किया जाए, या इस उन छिलकों को किस तरह से डिकम्पोज किया जाए कि हमारे नेचर में या हमारा वातावरण उनकी वजह से ख़राब ना हो, इसकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है। तो अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपकी एक जिम्मेवारी बनती है कि आप किस तरह अपने घर के कचरे का सही तरह से आप कह सकते हैं उसे सही दिशा की ओर उसे कंपोस्ट की तरफ या किसी भी ऐसे रूप में आप अपने घर से बाहर उसे फेंकें जिससे कि आपके आस पड़ोस या कोई और लोग जो उस जगह में रहते हैं उन्हें आपके कचरे से कोई तरह की तकलीफ ना हो। तो आज हम बात करेंगे एरोबिक कंपोस्टिंग की। एरोबिक कंपोस्टिंग मतलब ऐसी खाद बनाना जो कि हवा के माध्यम से होती है, जिसको हम किसी ऐसे बर्तन में आप कह सकते हैं मिट्टी के घड़े में या प्लास्टिक के कंटेनर में या ग्रो बैग्स में, किसी में भी आप बना सकते हैं। खाली कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। वो क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ कि जिस भी आप बकेट में या पॉट में या किसी में भी जिसमें आप कंपोस्टिंग या खाद बनाने की प्रक्रिया करना चाहते हैं, उसके नीचे होल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कई बार हम घड़ा जब बाज़ार से लेते हैं तो उसमें होल्स नहीं होते हैं, तो आप स्क्रू ड्राइवर से धीरे धीरे अगर एक जगह पे करें तो, ये मैंने खुद ही किया हुआ है, आराम से हो जाता है। बस जल्दीबाजी ना करें क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ घड़ा है तो जल्दीबाजी में टूट सकता है, तो ठोके ना, धीरे धीरे स्क्रू ड्राइवर से करेंगे तो होल हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आपने जो भी कंटेनर लेना है उसमें ये ज़रूर देखना है कि उसमें प्रॉपर ड्रेनेज है कि नहीं, क्योंकि जब भी हम कोई भी सब्जी या फलों के छिलके इसमें डालेंगे तो धीरे धीरे जैसे ही उनका डिकम्पोजिशन होता है तो थोड़ा आप कह सकते हैं लिक्विड बाहर लीच आउट होता है, जिसको हमको पॉट्स के अंदर से बाहर निकलने में मदद करनी है। तो वो तभी हो सकता है जब पॉट में हमारे होल्स हो नीचे, ठीक है। तो वो हमने रेडी कर लिया। मैं कोशिश करती हूँ मटके में या मिट्टी के घड़ों में करना, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि मेरी कंपोस्टिंग थोड़ी जल्दी होती है और इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे छेद कह जाते हैं, इसीलिए हम जब पानी पीते हैं गर्मियों के सीज़न में तो पानी ठंडा रहता है, तो इसकी वजह से अगर बाई चांस कभी मॉइस्चर ज़्यादा भी हो गया कंपोस्ट के अंदर तो वो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। तो पिछले 8-10 सालों से मैं मटके के इसमें कंपोस्टिंग कर रही हूँ और मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है। तो आपको जो सुविधा लगे, प्लास्टिक का कंटेनर ये, या आजकल कई तरह के कंपोस्टिंग बिन्स भी आ गए हैं मार्केट में, आपको जो जहाँ से अवेलेबल हो, आपको सुविधा लगे करने में, जगह आपके पास जितनी हो आप उसके हिसाब से शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब भी हमने अपने किचन वेस्ट को कंपोस्ट में बदलना है, अब कंपोस्ट क्या चीज़ है? कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जो हमारे पौधों का आप कह सकते हैं एक मल्टीविटामिन डोज है, जिसको हमको हर हफ्ते 10 दिन में पौधों को देना होता है, जिससे वो हर तरह की अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो उसको बनाने में इस चीज़ को, ये हमारे छिलके हैं, ये हमारी कंपोस्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे छिलकों को 3 से 3.5 महीने का सफ़र तय करना पड़ता है। यह सफ़र अगर आप थोड़ा कम करना चाहें तो थोड़ी बहुत चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, तो आपका कंपोस्ट 2-2.5 महीने में भी तैयार हो सकता है। हमें उस चीज़ का क्या ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे।
अब हमने सब्जी फल सब चीज़ों के छिलके जो भी हैं ये जब तक हमारे घर के अंदर हैं हम इसे कूड़ा करकट नहीं समझते हैं, पर ये जब एक जगह जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वो एक कचरे के ढेर का रूप ले लेता है। तो अब हमने जो भी सब्जियां, फल के छिलके, आपके अंडे के छिलके, पत्ते, पूजा के फूल, जो भी चीज़ें हमारे रसोई घर से निकलती हैं ये सारी चीज़ें हमने एक ट्रे में रख ली हैं। चाय पत्ती हो सकती है, आपकी कॉफ़ी के ग्राउंड्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो किसी समय जीवित थी, लिविंग थिंग थी, वो हमारे कॉम्पोस्ट में जा सकती है। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कोई बहुत हार्ड चीज़ है, जैसे अभी नारियल का टुकड़ा ले लीजिए या आम की गुठली ले लीजिए, भुट्टे के अंदर का दाने निकालने के बाद जो भाग रह जाता है वो ले लीजिए। तो इस तरह की कड़ी चीज़ें जब हम कॉम्पोस्ट में डालते हैं तो उसे थोड़ा समय ज़्यादा लगता है खाद में बदलने के लिए। तो हमें क्या करना है, अब ये वाला जो हमारी चीज़ है इसको हम कहते हैं हरा भाग, हरा भाग या फ्रेश भाग जो हमने किचन के कॉम्पोस्ट बिन में डालना है। तो जितना भाग हमारा ये ग्रीन्स का होता है उतना ही हमारे पास ब्राउन्स मतलब कि सूखा भाग होना चाहिए। ये गीला भाग हो गया, ये सूखा भाग हो गया। अब इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है, नमी है, उसको सुखाने के लिए हमें कोई सूखी चीज़ इसके अंदर डालनी पड़ेगी। तो सूखी चीज़ों के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप सूखी पत्तियाँ, ये किसी भी पत्तों की सूखी पत्तियाँ, अभी जैसे पतझड़ का मौसम आने वाला है आप पत्तियाँ इकट्ठी करके किसी बोरे में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी खासी सूखी हुई पत्तियाँ किसी भी पेड़ की पत्तियाँ चल सकती हैं। इसके अलावा मार्केट में आजकल इस तरह की कोकोपीट की ब्लॉक्स आती हैं, उसको आप पानी में भिगो के, इस तरह मैंने अब ये वाली ब्रिक भी ऐसी थी, इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोया तो ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको जितनी चाहिए आप उतनी करके रखिए, या आप पूरी डब्बे में भर के रखिए और इसे ढक्कन लगा के रखिए। बस कोशिश कीजिए कि बारिश का पानी इसमें ना पड़े। ठीक है, अब हमारे पास किचन का ये कचरा छिलके, सब्जियों के छिलके, ये सारा इकट्ठा हो गया है। अब कई बार कई लोग क्या करते हैं, एक सोचिए ये मेरा कॉम्पोस्ट बिन है तो मैंने किचन के सारे जो भी सब्जियों के छिलके हैं ये डाला और उसके बाद सूखी चीज़ डाली, कवर करके रख दी। पर होता क्या है, जैसे जैसे ये डिकम्पोज होना शुरू होता है पानी नीचे की तरफ निकलता है, तो ऊपर जो हमने पत्ते डाले हैं वो सूखे ही रहते हैं और नीचे से ज़्यादा लिक्विड निकलने लग जाता है और अंदर का जो माहौल है आप कह सकते हैं वो इतना ज़्यादा चिपचिपा गीला हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे कीड़े, मैगॉट्स या वाइट फ्लाइज, ये सारे आने उसमें शुरू हो जाते हैं। कई बार बदबू भी आनी शुरू हो जाती है, तो लोग घबरा जाते हैं कि कहीं तो गलती हो गई है जिसकी वजह से, और आजकल जिस तरह हमारे घर छोटे हैं, घरों के बीच में इस तरह रखना बदबू आ रही है या किचन में, तो सबको परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, आपको ध्यान कहाँ रखना है, अगर आपने कॉम्पोस्टिंग बिन मटका है या पॉट है वो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपने लेना है, पहली चीज़ आपने उसके नीचे एक प्लेट या ट्रे रखनी है। तो जो भी आपका एक्सेस पानी या लिक्विड इसमें से निकलेगा वो इसके अंदर इकट्ठा होता है, जो हर हफ्ते में 3-4 दिन में आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर उस वो भी काफ़ी दिन पुराना होगा तो हाँ बदबू आ सकती है, तो आप उसको निकाल के, जो भी इस प्लेट में पानी इकट्ठा हुआ है उसे निकाल के उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके अपने पौधों को दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन रिच है हमारे प्लांट्स के लिए। तो वो तो एक बात हो गई। अब हमने सोचिए ये मिट्टी का पॉट लिया है अपनी कॉम्पोस्टिंग प्रोसेस के लिए, तो ये हमारी ग्रीन्स हैं, ये हमारे ब्राउन्स हैं, या हम कोकोपीट ले सकते हैं। तो सबसे पहली गलती जो मैंने आपको कहा कि इसको डालें ऊपर से ब्राउन डालने से अच्छा, क्यों ना हम इनको पहले ही मिक्स कर दें, सूखी पत्तियाँ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर कोकोपीट है आपके पास तो कोकोपीट मिक्स कर दीजिए, नहीं है तो खाली सूखी पत्तियाँ भी चलेंगी। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे फल हम खाते हैं जैसे पपीता है, तरबूज है, खरबूजा है, इन सब के छिलकों में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर हमने सूखी पत्तियाँ या कोकोपीट बहुत कम डाला
तो हमारे पॉट में अंदर जाके पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और जिसकी वजह से मैगोट्स या मच्छरों के आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें कि जितनी भी आपके छिलके आपने लिए हैं, जब आप इसको अच्छे से मिक्स करें तो आपको हाथों से ही समझ में आ जाएगा कि अब वो ज़्यादा गीले नहीं हैं। ठीक है, ये तो पहला मेथड है। अगर आपने इस तरह कर लिया तो आप 50% तक अपने कॉम्पोस्टिंग प्रोसेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपना पॉट लिया, अब हमने जो भी अपना मिक्स किया हुआ है वो हमने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, इस तरह रोज़ हमने जो भी अपने किचन का वेस्ट निकाला है उसे हमें इस तरह दबा दबा के इसके अंदर डाल देना है। कोशिश करना है कि जो अंडे के छिलके हैं इसको ऐसे ना करके तोड़ के डालें, क्योंकि उन्हें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस तरह करके हम सारी आपकी चाय पत्ती, आप पत्ते, सारा जितना कुछ भी है ये हमने डाल दिया। अब जब हमने इसमें डाल दिया तो ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, जिसमें हमारी खाद बननी है, तो उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए कोई एक चीज़ जिसे कल्चर कहा जाता है, कोई एक चीज़ हमें उसको प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इसमें ऐड करनी पड़ती है या डालनी पड़ती है। आजकल कई तरह के कोकोपीट, अब ये वाली कोकोपीट ऑर्डिनरी कोकोपीट है, नहीं तो कई बार कोकोपीट भी आजकल ऐसी आ गई हैं कि जिसमें माइक्रोब्स मिले रहते हैं, तो जब आप उसको डालते हैं तो अपने आप प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। पर अगर आपने ऑर्डिनरी कोकोपीट मिक्स की है तो उसमें हमें माइक्रोब्स अलग से डालने पड़ते हैं। अब वो माइक्रोब्स कहाँ से आएंगे हमारे पास, इसके दो उपाय हैं, या तो घर में खट्टी दही रहती है, दही को मैंने पानी में घोल के रख दिया है, अब इसको आप थोड़ा सा, बस पहली बार जब हमने पहली बार कचरा अपने पॉट में डाला है तब बस पहली बार थोड़ा सा आधे ग्लास के करीब या एक कप के करीब आप कह सकते हैं डाल दिया। ठीक है, अब ये हमने अपने किचन के वेस्ट को कोकोपीट के साथ मिक्स करके मटके में डाल दिया, थोड़ा सा कल्चर डाल दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो गाय का गोबर, उसे हल्का सा पतला पानी में घोल लीजिए, बहुत थोड़ा सा, इतना सा लीजिए, इतनी सी गाय की गोबर लीजिए इतनी सी, और उसे पानी में घोल के वही एक कप के बराबर आप डाल दीजिए। तो अगर वो नहीं है तो गौमूत्र है उससे भी काम चल जाएगा, वो नहीं है तो ये दही खट्टी होनी चाहिए, खट्टी दही पानी में घोल के थोड़ी सी डाल दीजिए। कोई भी एक चीज़ सिर्फ पहली बार डालनी है जब आपने ये काम शुरू करना है। अब ये कर दिया, अब मैंने इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा और कोकोपीट या ड्राई सूखी पत्तियाँ जो भी आपके पास हैं उसे डाल के इसे अच्छे से दबा दिया और इसे ढक के रखना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे ढक के रखना है और इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसके ऊपर बारिश का पानी ना पड़ सके, क्योंकि अगर आप बारिश का पानी इसके ऊपर पड़ेगा तो वो पानी भी अंदर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सारा जो हमने गीले और सूखे का बैलेंस करके पॉट के अंदर डाला है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब बारी आती है, पहले दिन हमने डाल दिया, अब दूसरे दिन फिर यही करना है, हमने फिर से मिक्स करना है, फिर से हमारे घड़े में डाल देना है, तीसरे दिन फिर यही काम करना है। धीरे धीरे हमने देखना है कि हमारा पॉट इतना भर गया, एक चौथाई या आधा बन गया है, तो हमें कोई भी एक आप लकड़ी ले लीजिए या कोई भी स्टिक ले लीजिए जिससे उसको हल्का सा हिला दीजिए। उससे क्या होगा, अगर बीच में कहीं भी ऐसी जगह है जहाँ पे हवा नहीं जा रही है जिसकी वजह से कीड़े या किसी चीज़ के पैदा होने की संभावना हो सकती है, तो जैसे ही वहाँ पे हवा का आना जाना शुरू होगा वो सारा अच्छे से सूख जाएगा और हमें एक कह सकते हैं एक सही दिशा की तरफ हमारी कॉम्पोस्टिंग प्रोसेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह करके हम पूरा तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा घड़ा भर नहीं जाता। और क्या होता है, जैसे जैसे हम डालते रहते हैं वैसे वैसे नीचे का जो प्रोसेस है, नीचे जो हमने पहले दिन डाला था उसका कॉम्पोस्टिंग प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे वो जैसे जैसे कंप्रेस होता रहता है, कॉम्पोस्ट बनता रहता है, वो नीचे जाता रहता है।
तो आपको हर समय जगह थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी। जब आपको लगा कि आपका पूरा घड़ा या पॉट जो भी आपने लिया है वो अच्छे से भर गया है, उसे आप किसी साइड ऐसी जगह में जहाँ बारिश का पानी ना पड़े और ढक के रखें, और करीब 15-20 दिन महीने के लिए उसको रख दें, और बीच बीच में जब आपको समय मिले आप उसको हिलाते रहें, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी या बहुत सूख तो नहीं गया। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा सूख गया है तो हल्का सा फिर आप ये वाला दही का पानी या जो भी आपके पास उपलब्ध हो हल्के से उसके छींटे डाल दीजिए और फिर उसे ढक के साइड में रख लीजिए। अब क्या होता है, इस तरह आप 3-4 अलग अलग मटके रख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी कॉम्पोस्टिंग यूनिट, किस तरह मैं कॉम्पोस्टिंग करती हूँ। तो इस तरह मैंने एक घड़ा रख दिया, अब ये भर के साइड में रख जाएंगे। अब करीब 1.5-2 महीने बाद इसको अगर हम खोलेंगे तो इसके अंदर हमें इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। ये हमारी खाद तैयार हो रही है जो कि पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसमें ये देखिए, जो मैंने बोला था ये भुट्टे के बीच वाला हिस्सा है, ये आम की गुठली है जो काफ़ी हद तक खाद बन चुकी है पर अभी भी थोड़ी है, ये कुछ पत्ते हैं, ये मूंगफली के छिलके हैं, ये देखिए अंडे के छिलके अभी भी पूरी तरह से कंपोस्ट नहीं हुए हैं, कुछ कुछ फलों के छिलके अभी भी हैं, लेकिन कुछ 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 आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है जो ऑलरेडी कंपोस्ट बन चुके हैं, कुछ कुछ चीज़ें अभी भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस स्टेज में हम इसे छाने। कई बार हमें हम मार्केट में जब भी हम खाद खरीदते हैं हमें बहुत सुंदर सी साफ सी दिखाई देती है, तो हमारे घर की जब बनती है तो हमें लगता है ये ऐसी बनी हुई है, तो हमें छानने की ज़रूरत है, छानने की नहीं ज़रूरत है। ये हम ऐसे ही अपने पौधों में डाल सकते हैं। उस समय आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, जो भी इस तरह की चीज़ें जो कि नहीं कॉम्पोस्ट बनी है वो दोबारा जो हमारा प्रोसेस चल रहा है कॉम्पोस्ट का, इसको हम दोबारा उसमें डाल देंगे। तो इस प्रोसेस के साथ दोबारा वो कॉम्पोस्टिंग में कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको अगर आपको लगता है अपने छू के देखना है, कई बार जब आपको लगता है देखने में कि कॉम्पोस्ट रेडी हो गई है, अब इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर कुछ दिन रुकना चाहिए, सबसे इजी तरीका है आप उसे छू के देखें। छूने पे ये थोड़ी ठंडी आपको लगनी चाहिए, गर्म नहीं लगनी चाहिए। अगर इसमें हल्की सी गर्माहट है मतलब आपको और हफ्ते 10 दिन रुकने की ज़रूरत है। तो एक तो ये पैमाना हो गया चेक करने का कि ये ठंडी हो गई है। दूसरा, जब आप इसे इसकी स्मेल देखेंगे तो बारिश के बाद जैसी मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो इसकी सही खुशबू आपको वैसी मिलेगी जब आपका कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और वो देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, ठीक है, जिसमें हर चीज़, अब आपको पता नहीं इसमें केले के छिलके थे, एप्पल के छिलके थे, कि मौसम्बी के थे, कि पपीते का था, सब एक ही तरह हो गए हैं। और छूने में ये ठंडा भी है, और इससे अगर सूंघें तो इसमें बहुत अच्छी मिट्टी की खुशबू आ रही है। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल प्रोसेस है, खाली आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि पॉट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें होल्स हों, उसके नीचे कोई प्लेट रखी हो, पॉट ढका हुआ हो और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बारिश का या कोई किसी तरह का पानी ना पड़े उस पे। और जब भी हमने किचन का वेस्ट अपने इस कॉम्पोस्टिंग बिन में डालना है तो उसमें पहले ही पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ या कोकोपीट मिक्स कर लेनी है, और पहली बार जब हमने शुरू किया हमें किसी एक तरह का कल्चर उसके अंदर ज़रूर ऐड करना है, वो चाहे आपके दही के रूप में हो, गौमूत्र हो, गाय का गोबर हो, जो आपके पास अवेलेबल हो उपलब्ध कर सकें, हल्का सा सिर्फ पहली बार डालना है। उसके बाद उसी की वजह से जो माइक्रोब्स उसमें आएंगे वो सारे आपके कंपोस्ट को अच्छे से रेडी कर देंगे। आप कई लोग हैं जो पहले भी कंपोस्ट करते हैं, और कंपोस्ट करने के टाइम कई बार उनको लगता है कि गलती रह गई, कभी ढक्कन खुला रह गया तो उसमें छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं, या बहुत गीला लग रहा है अंदर से, महक बदबू सी आ रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा कोकोपीट या सूखे पत्ते जो भी आपके पास हैं अच्छे से उसके अंदर डाल दीजिए, और 1-2 दिन उसमें नए सब्जियों के छिलके ना डालें, उसे रेस्ट पे रहने दें। तो जो भी आपने पहले डाला था और उसमें एक्सेस जो भी वाटर हो गया था वो हमारा
इस बार हमने जो भी कोकोपीट और सूखी पत्तियाँ डाली हैं वो उसको बैलेंस कर देंगी और आपका जो कॉम्पोस्ट है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारे मैं किस तरह से कॉम्पोस्टिंग करती हूँ। आइए, धन्यवाद। मेरी छत पे ये एक छोटा सा रूम मैंने बनाया है, यहाँ पे मैं सारा अपना कॉम्पोस्टिंग का काम करती हूँ। तो इसमें देखिए मैंने क्या किए हैं, 4-5 मटके रखे हुए हैं। तो हर रोज़ मैं क्या करती हूँ, सिर्फ एक मटके में नहीं डालती हूँ। सोचिए आज मैंने अपने किचन के सब्जियों के छिलके इस मटके में डाले हैं, तो कल इसमें डालती हूँ, परसों इसमें डालती हूँ। तो इस तरह करके मैं रोटेशन में काम करती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है, जब तक पहले मटके की बारी आती है तब तक बाकी 3 मटके में जो भी छिलके गए हुए हैं वो काफ़ी हद तक सूख जाते हैं। तो मुझे आज तक कभी भी मैगोट्स की या दूसरे कीड़ों की कभी प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, अब देखिए आप इसके अंदर देख सकते हैं कितना काला दिख रहा है। इसका मतलब, इसे हम ब्लैक गोल्ड इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है इसकी रंगत बिल्कुल बदल जाती है और ये बिल्कुल काला दिखने लग जाता है। तो ये अभी आप कह सकते हैं 30-40% ही कॉम्पोस्ट हुआ है, अभी और धीरे धीरे ये होता रहेगा। और इस तरह मैं रोज़ अलग अलग पॉट्स में रख देती हूँ और ऐसे ढक के रख देती हूँ। तो सारे पॉट्स आप इस तरह ढक के रख दीजिए और इनके नीचे मैं क्या करती हूँ, एक ट्रे रख देती हूँ। तो जो भी इनसे निकलना होता है तो वो उन ट्रे में इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद मैं वो पानी, उन जो भी इकट्ठा होता है ट्रे में उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके अपने पौधों में डाल देती हूँ। तो आशा है कि आप सबको कॉम्पोस्टिंग, एरोबिक कॉम्पोस्टिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।